Hi everyone, so today in this video we will learn about MIS and the users. So let's start it. Every person in the organization is a user of the MIS. कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या करती है MIS या फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाला हर एक आदमी, एवरी पर्सन, या फिर उस कंपनी से क्या कोई उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई सर्विसेज ले रहा है या फिर वो आदमी वो क्या है, उस MIS का यूज़र है. द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट एट ऑल लेवल इन द हायरार्की. सो व्हाट डज दैट मीन? हर एक आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग लेवल पे क्या करता है, काम करता है. ए टिपिकल यूज़र इज़ ए क्लर्क, एन असिस्टेंट, एन ऑफिसर, एन एग्जीक्यूटिव और ए मैनेजर. तो जो हमारा MIS का एक यूज़र है वो कौन हो सकता है? क्लर्क भी हो सकता है किसी कंपनी के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई असिस्टेंट हो सकता है, कोई ऑफिसर भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव या फिर मैनेजर भी हो सकता है. Each of them has a specific task and a role play in the management of business. अब जो हमारे क्या हैं, क्लर्क है, असिस्टेंट है, ऑफिसर है या फिर मैनेजर है, उनके क्या हैं, अलग अलग डिफरेंट रोल्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका क्या अलग अलग काम है. द मेन टास्क ऑफ ए क्लर्क इज़ टू सर्च द डाटा, मेक ए स्टेटमेंट एंड सबमिट इट टू द हायर लेवल. तो जो हमारे क्लर्क का काम है वो क्या है, डाटा को सर्च करना है और उसको क्या बनाने हैं, स्टेटमेंट्स बनाने हैं, और वह उसको कहाँ पे देने हैं, हायर लेवल पे देने हैं. एन असिस्टेंट हैज़ द टास्क ऑफ कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डाटा. तो अब जो असिस्टेंट का काम है वो क्या होगा, क्लर्क से क्या लेना है, उन स्टेटमेंट्स को लेना है, उसको कलेक्ट करना है और उसको ऑर्गेनाइज करना है. And conducting an analysis of it, और उसको क्या करना है, उसका analysis करना है. An officer has a role of integrating the data and information from different systems and disciplines to analyze it and make a critical comment if anything opposite is found. तो इसका मतलब है कि जो officer है उसका काम क्या है, data को integrate करना, कहाँ से, अलग अलग सिस्टम से. तो जो ऑफिसर है वो अलग अलग सिस्टम के ऊपर काम करता है. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम हैं, तो जो ऑफिसर का काम क्या है, इन सभी सिस्टम से डाटा को कलेक्ट करना है, ठीक है, और इन डाटा को क्या करेगा, इंटीग्रेट कर देगा. और अगर उसको कुछ भी ऐसी गड़बड़ मिलती है सिस्टम के अंदर तो वो क्या कर सकता है, अपना डिसीजन ले सकता है. द मैनेजर हैज़ ए पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द बिजनेस रिजल्ट. और जो मैनेजर का काम होता है वो क्या होता है, उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की. अब कोई भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है उसके अंदर जो सबसे फाइनल डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, मैनेजर लेता है. अब जो कंपनी को उससे प्रॉफिट या जो लॉस होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी किसके सर लगेगी, मैनेजर के. हिज मैनेजमेंट रोल एक्सपेंड बियॉन्ड हिज मैनेजमेंट फंक्शन. अब जो उसके मैनेजमेंट रोल है वो क्या है, मैनेजमेंट फंक्शंस के भी बियॉन्ड है. हमने डिफाइन कर दिया कि जो मैनेजर है वो ये सिर्फ ये काम कर सकता है, लेकिन जब कोई कंपनी किसी भी खराब सिचुएशन में होगी तो वो क्या कर सकता है, उसके बियॉन्ड भी जा सकता है. So I hope you understand today's lecture. Thank you and have a nice day.